Hello guys, I'm Saloni. Welcome back to my channel Saloni Swag. In today's video, I'm going to tell you how to get rid of large open pores permanently. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ आप अपने ओपन पोर्स को परमानेंटली कैसे खत्म कर सकते हो. सो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो गाइज, इस मिक्सचर को रेडी करने के लिए हमें लेना होगा एक बॉल. इसमें आपको ग्लिसरीन लेना है 1/2 टेबल स्पून और थोड़ा सा इसमें एलोवेरा जेल ऐड करना है. इसके बाद आपको इस मिक्सचर में ऐड करना है 5 से 10 ड्रॉप रोज वाटर. इसको आपको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है. इस तरीके से आपको इसको मिक्स कर लेना है. इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद आपको इसको अपने ओपन पोर्स एरिया में अप्लाई करना है लाइक दिस. एवरी नाइट और मॉर्निंग आपको इसको अपने जहां भी ओपन पोर्स है उस एरिया में अप्लाई करके इसको एज इट इज छोड़ देना है. सो गाइज, इस मिक्सचर में मैंने ग्लिसरीन ऐड किया है जो आपकी जितने भी ओपन पोर्स हैं उसको कम करने में हेल्प करता है. और मैंने इसमें एलोवेरा जेल ऐड किया है जो कि आपके फेस को या आपकी स्किन को मॉइस्चर करता है. और प्लस इसमें मैंने रोज़ वाटर ऐड किया है जिससे आपको गोरी त्वचा मिलेगी और जो होम रेमेडी के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है. आप कभी भी होम रेमेडी वाले कोई भी पैक बनाते हो उसमें आप अगर रोज़ वाटर यूज़ करते हो अगर नॉर्मल वाटर की जगह तो वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होता है वर्क करने में. सो इस वजह से मैंने इन तीनों के मिक्सचर को रेडी किया है जो आपके ओपन पोर्स को क्लोज करने में हेल्प करे और बहुत जल्द आपको आपके ओपन पोर्स के प्रॉब्लम ख़त्म हो जाएंगे और आपका स्किन बहुत ही ज़्यादा टाइटर हो जाएगा और प्लस वाइटन और ब्राइटन भी होगा. सो गाइज, आप इस रेमेडी को 30 डेज रेगुलरली यूज़ करो. रेगुलरली डे एंड नाइट दोनों टाइम आपको इसको अप्लाई करना है अपने फेस पे अपने ओपन पोर्स एरिया में. आफ्टर 30 डेज आप देखोगे आपके स्किन पे एक भी ओपन पोर्स नहीं रहेंगे. आपके जितने भी ओपन पोर्स हैं वो सारे ख़त्म हो जाएंगे और आपकी स्किन एकदम टाइटर हो जाएगी. So I hope आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी. So if you like this video then give a thumbs up and also subscribe to my channel for more such natural remedies from me. See you in my next video. Till then bye bye, take care, have a good day.